हेलो, आज हम इस वीडियो में नंबर्स ग्रुप में जो साइंटिफिक फॉर्मेट होता है उसको कैसे किया जाता है। एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो सेल में 11 या 11 से कम नंबर जो होते हैं वो सेल में आ जाते हैं, लेकिन जो 11 से अधिक नंबर होते हैं वो सेल में हमें साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। तो साइंटिफिक फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट में कैसे चेंज किया जाता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले हम नंबर फॉर्मेट को साइंटिफिक फॉर्मेट में बदलेंगे और उसके बाद साइंटिफिक फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट में बदलेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ एंटर करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर की, ये हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर की, ये जो है हमारे पास नंबर फॉर्मेट है। अब हम इस नंबर फॉर्मेट को साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हम इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे साइंटिफिक यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्मेट लेने के बाद ये जो फॉर्मेट है ये साइंटिफिक फॉर्मेट में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर फॉर्मेट को साइंटिफिक फॉर्मेट में बदलते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको डिलीट करेंगे, ये डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अब जो यहाँ पे हम नंबर एंटर करेंगे, अगर हम यहाँ पे 11 से अधिक नंबर एंटर करेंगे तो वो जो नंबर है यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगे। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे कुछ नंबर एंटर करेंगे जो कि 11 से ज़्यादा होंगे, जैसे यहाँ पे 12 डिजिट हमने यहाँ पे एंटर किए। एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो ये जो है साइंटिफिक फॉर्मेट में बदल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और कोई वैल्यू यहाँ पे एंटर करते हैं, ये देखो इसके बाद एंटर किया तो ये भी साइंटिफिक फॉर्मेट में बदल जाएगा। इसके बाद और एक वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ये वैल्यू ली, एंटर प्रेस किया तो ये वैल्यू भी साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। तो जो नंबर हम 11 से अधिक लिखते हैं वो सारे नंबर जो होते हैं वो साइंटिफिक फॉर्मेट में बदल जाते हैं। अब जो है इनको अगर देखना है कि ये जैसे फर्स्ट वाला ये इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए हम ये फार्मूला बार पे जाएंगे। यहाँ पे देखो ये नंबर हमें दिखाई देगा कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर लिखा हुआ है। तो इस नंबर को हम नंबर फॉर्मेट में चेंज करेंगे यहाँ पे। तो ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद नंबर पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये चेंज हो गया। यहाँ पे जहाँ पे ये हैश यहाँ पे बन के आ रहा है इसका मतलब है हमें यहाँ पे कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। ये देखो कॉलम की विड्थ हमने यहाँ पे बढ़ाई तो ये जो है इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये डेसिमल प्लेस यहाँ पे आए हुए हैं, टू डेसिमल प्लेस, अगर हम इनको हटाने जाते हैं कि हमें ये नंबर जो है यही दिखाई दे, ये डेसिमल प्लेस दिखाई ना दे, तो हम क्या करेंगे इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये डिक्रीज डेसिमल, जैसे एक बार क्लिक किया एक डेसिमल प्लेस यहाँ से कम हो जाएगा, एक बार और प्रेस किया यहाँ पे तो यहाँ से डेसिमल प्लेस जो है ये हट जाएंगे। तो ये जो नंबर हमने यहाँ पे एंटर किए थे ये हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह से अगर हमें 11 से अधिक डिजिट्स लिखने हैं तो हम नंबर फॉर्मेट से ये काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि लंबी संख्या को सेल में कैसे लिखा जाता है के बारे में सीखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।